मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथ ही आप सब लोग इतने उत्साह और जोश से जो मेरा स्वागत करते हो, घबरा जाते हैं, पता नहीं भीड़ में क्या छिप जाती है, लेकिन आप सभी लोगों का प्यार है। आज इस मंच से मैं कोई बहुत लंबा थोड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि राजस्थान और देश भर में आज जिस प्यार मोहब्बत का, अपनेपन का, भाईचारे का, रिश्ते का प्रतीक राजस्थान की जमीन बनी है, छत्तीसगढ़ वापस का जो प्रेम और प्यार है वो हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। हम सबका सामूहिक प्रयास है, हम सब लोग जो राजनीति में हैं, हम सबका सामूहिक प्रयास से होना चाहिए कि कैसे हम सब लोगों को साथ लेकर चलें। आज बहुत जरूरी है साथियों, नौजवान जागरूक है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, सब पढ़े लिखे लोग हो गए, लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये देश सबका है, ये प्रदेश सबका है और हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। कभी कभी ये बातें आती है सामने, लेकिन जो लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, जो सबका मान सम्मान करते हैं, जो अपने पराये में फर्क नहीं देखते, वही लोग जनता के दिल में जगह बनाते हैं, उनके दिल दिमाग पे छाप छाते हैं। काफी अर्से के बाद मैं यहाँ पर आना होगा, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप लोगों के मन में जो हमारे प्रति प्यार है वो आज पहले से बहुत ज्यादा है और मेरे देश में समाज में लोगों को आपस में लड़वाना बहुत आसान है, छोटी सी बात पे बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जो झगड़ों को निपटाते हैं, वो लोग जो दिलों को बदलाते हैं, वो लोग जो जनता के साथ रहते हैं, वो लोग जो सबके साथ लेकर चलते हैं, उन लोगों को जनता अपने दिल में बसाती है। साथियों, ये राजनीति है, इसमें सत्ता आती है चली जाती है, पद मिलते हैं चले जाते हैं, लेकिन जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, लोगों के बीच अपने प्यार का संबंध और एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना जो लोग लेकर चलते हैं वो लंबा रास्ता तय करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आपकी जो ऊर्जा है, जो ताकत है, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा है। आने वाले समय में हमारे बाजुओं को दम मिलता है इन बातों से। आप सब जानते हो आने वाले समय में चुनाव भी आएंगे, आप लोगों को सोच समझ के निर्णय करना है। ये मंच राजनीतिक नहीं है, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ गांव और गरीब को गणेश मानकर जो पूजेगा, जो लोगों के दुख दर्द में शामिल रहेगा, जो तनाव की बात नहीं करेगा, जो अपनों से संबंध रखेगा, जो लोगों से मिलता रहेगा, वो जनता के दिल में राज करेगा। और हर 5 साल चुनाव आते हैं, जनता निर्णय करती है। ये परमपिता परमेश्वर और पायलट साहब कहा करते थे, हम कुछ भी करें अंतिम निर्णय नीली छतरी वाले का होगा, जो वो चाहता है, वही चाहता है, जो जनता चाहती है, जनता वही चाहती है जो आपका मन कहता है, और आपका मन हमेशा सच कहता है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं आज यहाँ के बीच में आशीर्वाद देने भी आया हूँ और आप लोगों को धन्यवाद, प्रदेश की जनता ने, किसान कौम ने, नौजवान साथियों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, मैं आपका प्रबद्ध बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस उम्मीद के साथ कि हम सब नौजवानों की पढ़ाई पर जोर दें, जैसा स्वर्गीय पायलट साहब कहते थे, हमारे गांव डाणिया की बच्चे पढ़कर उन पदों पर बैठ जाएंगे जिन पदों से देश प्रदेश की नीतियां बनती है, अपने आप गांव से विकास होगा। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, आप सबको
कामना करना चाहता हूँ और भगवान आपकी झोली में ढेर सारी खुशियां डाल दे, हमारा आपस का प्यार हमेशा बना रहे और आप सबका जो आशीर्वाद हमारे ऊपर है वो हमेशा बरकरार रहे। मेरे साथ जोरदार नारा देना, भगवान की, भारत माता की, भारत माता की।